दोस्तों आज हम बताएंगे आप लोगों को कि सी क्लीनर का यूज कैसे करते हैं। आपको पूरे फीचर, इसमें सारे बिल्ड फीचर के बारे में, एक एक फीचर के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। आप मेरे चैनल पे बने रहें, अंत तक वीडियो को जरूर देखें। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हाँ दोस्तों, हम अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। हम अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं और यहाँ पे टाइप करेंगे सी क्लीनर प्रो। लिख कर इंटर प्रेस करेंगे। गूगल के सर्च रैंक में फर्स्ट नंबर पे जो सर्कल के अंदर है, इस वेबसाइट पे वेबसाइट का नाम देख लेंगे, www.ccleaner.com है। तो यहाँ पे ये सी क्लीनर का प्रोफाइल है, ऑफिशियल पेज है। तो हम ऑफिशियल पेज पे आ गए हैं सी क्लीनर के। आप यहाँ पे देख रहे हैं सी क्लीनर प्रोफेशनल फ्री ट्रायल। आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे आएंगे तो आपको बहुत सारा इसका इनबिल्ट फीचर देखने को मिलेगा। ये सारे फीचर का बात करेंगे, आप बने रहे मेरे साथ। तो यहाँ पे आने पर आप देखेंगे कि प्रोफेशनल पे फ्री ट्रायल अवेलेबल है। फ्री ट्रायल पे क्लिक करेंगे सही, आपको डाउनलोड होना दिख जाएगा। फिलहाल हमने इसे डाउनलोड कर चुके हैं और यूज भी कर रहे हैं, तो हम इसे क्लोज करते हैं, पाउज करते हैं। आप इसे डाउनलोड करने के बाद आपके डेस्कटॉप पे कुछ ऐसा आइकन सी क्लीनर का दिखेगा क्या है, और यहाँ पे बहुत सारा फीचर आपको बताएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट फीचर है हेल्थ चेकर का। जी हाँ दोस्तों, आप अपने पीसी का हेल्थ देख सकते हैं कि वो किस हालत में है। तो आप सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं, ये आपके पीसी का हालत चेक करके आपको बता देगा कि आपका पीसी कैसा फील कर रहा है। बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप इसे यूज कर सकते हैं। ये आपका पीसी का हेल्थ चेक कर रहा है और चेक करके आपको बता दिया। ये आपके पीसी का हेल्थ चेक करके जो डीबग है आपके पीसी में वो दिखा दिया कि आपके पीसी में कितना जंक फाइल है, कितना ट्रैकर है, क्या स्पीड परफॉर्मेंस है, क्या अपडेट कोई है कि नहीं। तो ये दो स्पीड और सिक्योरिटी के लिए जो दो ऑप्शन है, ये तभी इनेबल रहेंगे जब आपका पीसी इंटरनेट से कनेक्टेड रहेंगे। तो ध्यान रहे, जब आपका पीसी कनेक्टेड नहीं रहेगा तो ये दो आपके में डिसेबल दिखाई देंगे। तो हम क्लिक करते हैं मेक इट बेटर। ये अब जितने भी ट्रैकर थे, जितने भी जंक फाइल था, वो ही क्लीन कर देगा। तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है, अगर आपका पीसी पे फर्स्ट बार ये रन कर रहे हैं तो ये काफ़ी समय लगेगा, इसमें बड़ी कोई नई बात नहीं है, तो पेशेंस रखें। तो अब नेक्स्ट फीचर देखते हैं कि सी क्लीनर का क्या है नेक्स्ट फीचर। बहुत सारा फीचर दिया है जो अलग दूसरे सॉफ्टवेयर से इसे अलग बनाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्राउजर को भी, आप ब्राउजर पे जो जंक फाइल ट्रैकर जो रहते हैं उसे भी ये एनालाइज करके रिमूव कर देता है। बहुत अच्छा टूल है,
आप यूज कीजिए तो आप बहुत सारा यहाँ पे फीचर देखने को मिल जाता है, ब्राउजर का, ओपेरा मीनू। तो सिंपली हम एनालाइज पे क्लिक करते हैं। ये जितने भी इशू है आपके पीसी में वो सारे को प्रेजेंट कर देगा, मेरे में एक ही है। तो इसे हम रन एंड क्लीन करके रिमूव कर देंगे। आप में हो सकता है ज़्यादा है तो शॉक नहीं होइएगा। अब हम नेक्स्ट फीचर देखते हैं रजिस्टर का। बहुत अच्छा टूल है दोस्तों रजिस्टर को रिमूव करने के लिए, हमने इससे अच्छा कोई टूल नहीं देखा अभी तक। आपका आपके पीसी में जितना भी रजिस्टर जो इशू के कारण इनेबल है या डिसेबल है या इशू है, उस रजिस्टर बंद पड़ा है, तो आप यहाँ से उसे ठीक कर सकते हैं। सिर्फ एक क्लिक में आप पूरे को ठीक कर सकते हैं। बहुत सारा इशू है रजिस्टर, तो हम फिक्स इट पे क्लिक करते हैं। और ये पूछ रहा है कि क्या आप इसका बैकअप लेने से पहले आप इसे सिक्योर करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं। तो मुझे नहीं करना है भाई, सिंपली हम नो करेंगे एंड फिक्स ऑल सेलेक्टेड इशू पे क्लिक करेंगे और क्लोज करते हैं। देखेंगे दोस्तों आपका पूरा रजिस्टर जो मेरा था डैशबोर्ड पे दिख रहा था वो क्लीन कर दिया है। तो अगला फीचर देखेंगे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। ये आपके पीसी में जितना भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं आप जो कंट्रोल पैनल से जाकर अपडेट कर इंस्टॉल इंस्टॉल करते थे, तो आप यहीं से कर सकते हैं उस सारे चीज़ों को। आप सिंपल सेलेक्ट कीजिए उस सॉफ्टवेयर को और इंस्टॉल अनइंस्टॉल दोनों कर सकते हैं आप। यहाँ तक कि आपका सॉफ्टवेयर में कोई पैकेज डिलीट हो गया है बाय मिस्टेक तो आप उसे रिपेयर भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा फीचर है ये सी क्लीनर में। अपडेट से भी रिलेटेड है, आप उस सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट करें और अपडेट पर क्लिक करेंगे। याद रहे कि आपका पीसी अपडेट के वक्त नेट से कनेक्टेड रहे। यहाँ पे भी जितने भी है इनेबल रजिस्टर उसे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। दोस्तों अगला फीचर है डुप्लीकेट फाइंडर। ये बहुत अच्छा टूल है, सी क्लीनर के अंदर बिल्ड है। कई एक बार क्या होता है कि जब हम पीसी बहुत दिनों से यूज करते हैं तो बहुत सारा डुप्लीकेट फाइल मेरे पीसी में भरा पड़ा रहता है, तो पहचान नहीं पाते हैं हम, उस पर केयर नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो डे बाई डे अननेसेसरी फाइल जो मेरे स्पेस को ऑक्यूपाइड कर किए रहता है। तो आप यहाँ से डुप्लीकेट फाइंडर के थ्रू आप जितने भी डुप्लीकेट फोल्डर फाइल यहाँ तक के वीडियो PDF ऑल डेटा को आप सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं एक ही क्लिक में। तो आप सिंपली जो भी डुप्लीकेट फाइल होगा उनको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद डिलीट करेंगे और ओके कर देंगे, फाइल डिलीट। वैसे ही बहुत सारे फीचर है। तो दोस्तों इसी के साथ हम लेते हैं विदा, आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरा हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।